नमस्कार दोस्तों, KGF 1 और KGF 2 की सक्सेस तो मानो जैसे आसमान छूली है। 1170 करोड़ की आज तक की कमाई करने वाली ये कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई है। चैप्टर 2 के एंडिंग में आपने देखा ही होगा कि कैसे रॉकी भाई समुंदर में डूब रहे थे, लेकिन इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है हमारा रॉकी भाई। इसलिए चैप्टर 3 बनाने का कंफर्मेशन भी आ चुका है डायरेक्टर प्रशांत नील सर की तरफ से। दोस्तों सूत्रों का मानना ये है KGF चैप्टर 3 की जो इंडिया वाली सीन्स है उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ अमेरिका वाली स्टोरी लाइन की ही शूट होनी बाकी है। चैप्टर 3 में ऋतिक रोशन को फिल्म में हर हाल में लाने के लिए प्रोड्यूसर और फिल्म की टीम पूरी तरह से लगे हुए है। ऋतिक रोशन की एंट्री से KGF चैप्टर 3 और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजू बाबा ने चैप्टर 3 में फिर से वापसी करने के लिए दिल बना लिया है। क्या आपको भी लगता है कि बाबा की एंट्री फिल्म में दोबारा होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। संजू बाबा ने अधीरा का रोल में जो परफॉर्मेंस बेंचमार्क सेट किया है उसको टक्कर देने में तो कोई बॉलीवुड वाला ही होना चाहिए, ऐसा डायरेक्टर का मानना है। इसीलिए डायरेक्टर प्रशांत नील सर की नजर में ऋतिक रोशन से अच्छा एक्शन हीरो और कोई हो ही नहीं सकता। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है दोस्तों कि ऋतिक से अच्छा कास्ट चैप्टर 3 में और कोई हो ही नहीं सकता। रॉकी भाई यानी सुपरस्टार यश का तो दिल ये है कि KGF सागा कभी रुकना ही नहीं चाहिए, ये फिल्म सालों साल तक आनी चाहिए, ऐसा यश का मानना है। और ऑडियंस को भी KGF का अनलिमिटेड सीक्वल देखना पसंद होगा, ऐसा बोलना गलत नहीं होगा दोस्तों। KGF का कितना चैप्टर होगा ये तो टाइम ही बताएगा दोस्तों, पर चैप्टर 3 की पहली झलक यानी कि फर्स्ट लुक का सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मजेदार फिल्मों के न्यूज और सेलिब्रिटी गॉसिप्स के लिए मूवी का दोस्त चैनल को देखते रहना।